के सांसद शंकर लालवानी शहर को सुंदर व स्वच्छ बनाए रखने के लिए लगातार अधिकारियों के साथ निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में सांसद द्वारा नाला टैपिंग के कार्य का निरीक्षण किया गया। इस दौरान नाले के बहते पानी की सैंपलिंग भी की गई है। इंदौर सांसद शंकर लालवानी ने आजाद नगर नाला टैपिंग कार्य का निरीक्षण किया। निरीक्षण की शुरुआत चौधरी पार्क से की गई, जहां नाले की स्वच्छता को देख सांसद लालवानी द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि अब यदि कोई भी नाले में किसी भी प्रकार का पानी छोड़ता है तो उसके विरुद्ध स्पॉट फाइन की कार्यवाही की जाएगी। साथ ही नाले को पक्का करने का भी निर्देश दिया गया। इसके बाद अधिकारियों के साथ विराट नगर में सूखे नाले सहित तेजपुर गड़बड़ी नाले में उतर कर लालवानी ने निरीक्षण किया। यहाँ पर पानी को सांसद ने हाथों में उठा कर लिया। इस दौरान पानी का सैंपल भी लिया गया। नगर निगम द्वारा जो नाला टैपिंग का काम और हमारी जो शहर की नदियाँ हैं उसके सुधार का काम तेजी से चल रहा है। डेढ़ साल पहले मैं देखने आया था और उसके बाद मैंने देखा कि उस समय ट्रीटमेंट सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का काम शुरू हुआ था और उस समय मैंने दौरा किया था। उस समय भी ये बात कही थी कि हम जिस प्रकार नदी के संरक्षण की बात करें और जिस प्रकार नदी के जल की उसमें जो ड्रेनिंग मिल रहा था उसको टैपिंग की बात करते, लेकिन उसके साथ साथ ये भी बात कही थी कि जो बाकी नाले हैं वो जो नदी में मिल रहे हैं उसके लिए विचार करना चाहिए। मुझे इस बात की खुशी है कि नगर निगम की जो अभी टीम है आयुक्त महोदय के नेतृत्व में बहुत ही अच्छा काम नदी के संरक्षण के लिए और नाला टैपिंग के लिए कर रही है। और हमने देखा है शहर में विभिन्न क्षेत्रों में नाला टैपिंग का बहुत तेज़ी से चल रहा है, लगभग पूर्ण होने जा रहा है। जब ये नाला टैपिंग पूर्ण हो जाएगा तो नदी में साफ पानी बहेगा, ये हमारी परिकल्पना है। इंदौर सांसद के इस पूरे निरीक्षण पर निगमायुक्त प्रतिभा पाल का कहना है कि इंदौर शहर की नदियों को फिर से पुनर्जीवित करने के लिए पूर्ण रूप से कार्य किया जा रहा है। इससे पहले भी कई अतिक्रमण नालों के किनारों से हटाए जा चुके हैं और नालों की सफाई कर स्वच्छता का ध्यान रखा जा रहा है। तो माननीय सांसद जी ने भी क्योंकि नदी पुनर्जीवन के काम में वो लगातार बहुत रुचि लेते रहे, इसलिए उन्होंने ये कई सारी साइट्स विजिट की हैं जिसमें सरस्वती नदी की भी साइट्स हैं, कांडी तक के साइट्स हैं और उन्होंने कुछ अपने सुझाव भी दिए हैं जिसमें जो रिवर साइड या फिर जो भी नालाज हम लोगों ने क्लीन कर लिए हैं उनके चैनल्स पे उनके बंद से हम लोग वृक्षारोपण भी करें और ये भी प्रयास करें कि जितने भी हमारे स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स हैं उनको सुरक्षित रखा जा सके, वो उन पर इंक्रोचमेंट ना हो ताकि मॉनसून के समय में किसी भी प्रकार की दिक्कत ना आए वाटर लॉगिंग की या अन्य तरीके से पानी भरने की। तो इन सभी बिंदुओं पर हम लोग संज्ञान में लेकर आगे कार्य करेंगे। बहरहाल अब तो वक्त ही बताएगा कि इंदौर सांसद के निरीक्षण से सफाई व्यवस्था को कितना फायदा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मृदुभाषी न्यूज़, इंदौर। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।